हेलो दोस्तों, वेलकम टू TSA फ्यूचरिस्ट। आज हम बात करने हैं जा रहे हैं रोजर रब की, जो गाड़ी में शॉकर में लगता है। तो इसके बारे में सारी डिटेल, कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा, तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करें तो इस रोजर रब की ये जो शॉकर है, ये आपको ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा और इसका प्राइस 4,400 रुपये है, जिसमें दो शॉकर फ्रंट के हैं और दो बैक के हैं। अगर आप सिंगल भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगर आपने लेना चाहते हैं तो सिर्फ फ्रंट के शॉकर ले लें, वो तो ज़्यादा बहुत काफ़ी बड़े हैं और उसका प्राइस जस्टिफाई होता है। जो पीछे वाले शॉकर है वो काफ़ी पतले से हैं, तो वो इतने प्राइस वैल्यू के हिसाब से उतने मैटर नहीं करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी रोजर रब की ये आती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो अपनी सिटी में सबसे पहले पता करिए कि वहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन करने वाला कोई अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत मेरे को बहुत आई थी। मैंने ये परचेज जलंधर में किया और मैं इंस्टॉलेशन इसकी पठानकोट में करवा रहा हूँ, और जो इन्होंने डीलर्स के नंबर दिए थे उनके पास कोई पार्किंग की जगह अवेलेबल नहीं थी, कहीं गाड़ी खड़ी करने की नहीं। और वो बाई चांस मैं इस मैकेनिक के पास आ गया तो यहाँ से इनसे मैंने बात बात की, तो ये अभी देख रहे हैं पहला एक शॉकर रब यहाँ पे प्लास्टिक वाला लगा के इसके अंदर लगा चुके हैं। अभी इसकी नॉट वॉट लगानी है, जो चारों पहिए इसके खोल के इसकी फिटिंग होती है, तो इसके लिए काफ़ी कम से कम आधा घंटा और 40-45 मिनट का टाइम लग जाता है। अभी पीछे वाले टायर भी इन्होंने करने हैं, तो इसके बाद का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कुल मिला के ये और इसकी इंस्टॉलेशन की जो फीस है वो 500 रुपये है, जो आप इन आपसे चार्ज की जाएगी जहाँ पे भी आप कराएंगे, मैक्सिमम 500 है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे किससे करवाते हैं, और हर कोई मैकेनिक ये काम करने को तैयार भी नहीं है। और इसके जो शॉकर लगाने के बाद का जो एक्सपीरियंस है, अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ उसके काफ़ी देर के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जो आपकी गाड़ी के अंदर जो गैप है आधा इंच से एक इंच का फ़र्क आपको हाइट में इसकी नज़र आएगा, और ड्राइविंग राइड में भी आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा जब आप गाड़ी राइड करेंगे। तो मैंने इसमें गाड़ी के जो चारों टायर्स हैं उनके लिए लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं श्री गणेश टायर, ये पठानकोट में है। यहाँ पे पार्किंग की कोई समस्या नहीं, गाड़ी भी बहुत आराम से लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी अरेंज की, तो और यहाँ पे अभी ये खोल खाल के सारा कुछ फिट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि इसको फिटिंग करने का जो प्रोसेस है काफ़ी टफ है, और उसके बाद एक और लग जाएगा तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसको लगाने में 15-15 मिनट एक एक टायर में लग जाते हैं, 10-15 मिनट का टाइम है। उसके बाद टायर खोलने भी हैं, लगाने भी हैं, तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने अभी नज़र आ रहा है। तो ये मेरी गाड़ी हुंडई वेन्यू है जिसके मैं चारों शॉकर अभी लगवाए हैं, तो आप भी अपनी किसी भी गाड़ी के कोई भी शॉकर यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ जब मैंने अपने ये टायर्स ओपन करवाए तो जो पीछे वाले जो है लोहे के जो इसके आते हैं इसमें जंग लगा हुआ था, तो फिर मैंने इसको पेंट भी करवा लिया। तो ये आप देख सकते हैं रेड कलर का जो पेंट है, मेरे जो बैक टायर हैं उनके जो व्हील है एक्सेस के ऊपर वो मैंने करवा दिया, क्योंकि जंग लगा हुआ था। तो अभी बार बार तो हम खोल के देखते नहीं, बट अभी ये मोस्टली एक साल होने वाला है गाड़ी के लिए हुए, तो इसमें काफ़ी ये रस्ट लगा हुआ था, तो फिर एक डिसीजन लिया और ये कर दिया। दोस्तों, राइड एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको लगाने के बाद आपकी जो गाड़ी में आप ड्राइव करोगे तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है, तो मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको अपनी गाड़ी में लगाएं और अपनी राइड इंजॉय करें।